नमस्ते। आज हम देखेंगे व्हाट इज फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कैसा होता है, उसमें कैसे व्यूज आते हैं। हमने देखा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, उसमें वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन एक दूसरे को राइट एंगल में कट करते हैं, तो चार भाग तैयार होते हैं, चार एंगल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, या क्वाड्रेंट तैयार होते हैं, चार क्वाड्रेंट। अभी वीपी जो है वो एक स्टेशनरी है, वर्टिकल प्लेन। एचपी राइट का है वो नीचे जाता है, एचपी लेफ्ट का है वो ऊपर जाता है। अभी फ्रंट व्यू जो आएगा वो वीपी पर आएगा, एचपी पर टॉप व्यू आएगा। और इसमें फर्स्ट एंगल में क्या होता है वो आज हम सीखने वाले हैं। फर्स्ट एंगल में हमको मालूम है कि दोनों प्लेन्स जो रहते हैं वीपी और एचपी, वो ओपेक रहते हैं, यानी इधर से उधर दिखाई नहीं देता। लकड़ी हो या हार्डबोर्ड हो या सीमेंट का वॉल हो, तो ऑब्जेक्ट जो है वो बीच में उसके वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन फर्स्ट एंगल में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं। ब्लॉक जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना पड़ेगा। और इसमें ओपेक होने के कारण इधर से हम देखेंगे तो उसका ये वॉल या इसका लकड़ी का जो वर्टिकल प्लेन है उस पर व्यू आएगा, फ्रंट का, टॉप का व्यू नीचे आएगा और साइड का व्यू पीछे जाएगा। तो इसमें हम एक्चुअली देखेंगे फर्स्ट एंगल में क्या होता है। तो फर्स्ट एंगल में एक वर्टिकल प्लेन रहेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन रहेगा, सिर्फ फर्स्ट एंगल का हम सोचने का है अभी। वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन जो जो ओपेक रहेंगे, यानी इधर से उधर दिखाई नहीं देता है। एचपी नीचे जाएगा, वीपी का एक ही जगह स्टेशनरी, और ये और एक एडिशनल वर्टिकल प्लेन या ऑक्सिलरी भी बोलते हैं उसको, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, प्रोफाइल प्लेन भी बोलते हैं, वो एक पीछे ऐसा लगा है। तो हमने एक्चुअली प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि फर्स्ट एंगल में क्या होता है। तो फर्स्ट एंगल में हमको मालूम है कि ये हार्डबोर्ड है, इधर से उधर दिखाई नहीं देता, ओपेक यानी अपारदर्शक, इधर से उधर दिखाई नहीं देता, इसको बोलते हैं अपारदर्शक। अभी ये वर्टिकल प्लेन है या हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और ये एडिशनल वर्टिकल प्लेन है या ऑक्सिलरी प्लेन है, प्रोफाइल प्लेन उसको बोलते हैं। तो ये प्लेन ऐसा जाता है इधर राइट में, ये वर्टिकल प्लेन एक ही जगह रहेगा और ये नीचे आएगा एचपी। अभी हम देखेंगे ऑब्जेक्ट कैसा रखने का, ऑब्जेक्ट कैसा रख सकते हैं। ये समझो ऑब्जेक्ट है क्यूब, ऐसा रख सकते हैं। इधर से देखने वाला देखेगा फ्रंट का सरफेस, ये रेड सरफेस उसको इधर दिखाई देगा वर्टिकल प्लेन पर, उसको ये रेड सरफेस, और उसको बोलते हैं प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन क्यों? क्योंकि वर्टिकल प्लेन पर जो वर्टिकल प्लेन पर जो व्यू आता है उसको बोलते हैं फ्रंट व्यू, और उसको प्रिंसिपल व्यू बोलते हैं। ये प्रिंसिपल प्लेन हो गया और प्रिंसिपल व्यू, यानी सामने से हम देखते समय फ्रंट व्यू जो आता है उसको प्रिंसिपल व्यू बोलते हैं, क्योंकि वो वर्टिकल प्लेन स्टेशनरी है और एक ही जगह वर्टिकल प्लेन पर फ्रंट व्यू आता है। अभी इधर से देखेंगे, समझो ऊपर से देखते समय नीचे जाएगा व्यू नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आएगा। ये पीला जो कलर है वो स्क्वायर ऊपर से देखा तो नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ही आएगा। अभी साइड से देखा, लेफ्ट साइड से, तो ये ब्लू कलर का जो सरफेस है, ब्लू कलर का सरफेस एडिशनल वर्टिकल प्लेन पर दिखाई देगा, ऐसा प्रोजेक्ट होगा। इसको बोलते हैं लाइट एंड शैडो मेथड। इधर से फोकस मारा, पीछे शैडो उसकी पड़ गई, ऊपर से फोकस मारा, नीचे शैडो पड़ गई, और लेफ्ट से फोकस मारा, राइट साइड पर आ गया। तो एडिशनल वर्टिकल प्लेन पर का क्या आएगा, साइड व्यू आएगा, साइड का पोर्शन आएगा। अभी सामने से देखते हो कि रेड का पोर्शन फ्रंट पर आ गया, ऊपर से देखते समय येलो का पोर्शन नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आ गया,
और लेफ्ट से देखते समय साइड प्लेन पर या एडिशनल वर्टिकल प्लेन पर ही आ गया ब्लू कलर का साइड व्यू। तो तीन व्यू तीन प्लेन पर आ गए, ये फ्रंट, ये टॉप, ये साइड। अभी ओपन करेंगे, हमको मालूम है एजम्पशन करते समय ये नीचे जाता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे गया, ये राइट साइड में गया, तो ऐसा ओपन होगा। ये नीचे आया, ये राइट साइड में आया, इसकी वजह से ये ऐसा ओपन हुआ। और ओपन होने के बाद हमको मालूम है इधर तैयार होगा वर्टिकल प्लेन पर फ्रंट व्यू, फ्रंट इधर आएगा, टॉप इधर आएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, और साइड इधर जाएगा राइट साइड में। इसलिए अभी पोजीशन देखेंगे प्लेन का, तो वर्टिकल प्लेन पर आया फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू के नीचे आया टॉप व्यू, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आया टॉप व्यू, नीचे आया और लेफ्ट से देखा, ये जो ब्लॉक है वो लेफ्ट से देखा था साइड, तो साइड आया राइट में। इसमें हम जो प्रिंट एक एक्स वाई लाइन है रेफरेंस लाइन, तो रेफरेंस लाइन के ऊपर फ्रंट आया, रेफरेंस लाइन के नीचे टॉप आया, और ये जो दूसरा रेफरेंस लाइन है उसके फ्रंट के राइट साइड में साइड आया, यानी देखा लेफ्ट साइड से, देखा लेफ्ट साइड से लेकिन आया राइट साइड में, टॉप ऊपर से देखा आया नीचे, यानी सब उल्टा होता है इसमें। इसलिए इधर हमको ये प्रैक्टिकली समझ में आया अभी फ्रंट टॉप साइड कैसे आते हैं। एक कागज पर भी दिखा है, ऊपर से देखा टॉप नीचे आया, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर वो नीचे आता है, फ्रंट से देखा ये फ्रंट वर्टिकल प्लेन पर आया, वो एक ही जगह रहेगा स्टेशनरी, और उसको प्रिंसिपल व्यू बोलते हैं। और लेफ्ट साइड से साइड व्यू देखा, वो एडिशनल वर्टिकल प्लेन या EVP पर आया, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पर आया, लेकिन वो राइट साइड में आया, लेफ्ट से देखा आया राइट में, और ओपन करने के बाद ये नीचे जाएगा, ये राइट में जाएगा, और ये एक ही जगह रहेगा। तो F एक ही जगह रह गया, टॉप उसके नीचे आया और ये घुमा के राइट साइड में गया साइड व्यू, लेफ्ट साइड से देखा राइट साइड में साइड आया, टॉप से देखा टॉप फ्रंट के नीचे आया, फ्रंट पहले रखा टॉप नीचे आया, इस ऐसा ऊपर से देखा नीचे आता है, साइड से देखा तो लेफ्ट साइड से राइट में आता है, यही ध्यान में रखने का फर्स्ट एंगल में। तो फर्स्ट एंगल में एजम्पशन हमने पकड़ा था, वो हमने समझ में अभी वापस उसको लाया। अभी नीचे HP जाता है वो हमने देखा फ्रंट एक ही जगह रहता है प्रिंसिपल व्यू, राइट साइड में H जाता है तो कैसा व्यू आता है वो हमने समझ में आया। और उसका सिंबल यही है, ये जो इधर दिखा है वो बराबर सिंबल है, तो ऐसा ही रखने का, तो सिंबल स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने दिखाया इधर। ये सिंबल कैसा आता है क्यों आता है वो हम बाद में देखेंगे, और सेकंड फोर्थ भी बाद में देखेंगे। अभी नेक्स्ट टाइम थर्ड एंगल कैसा आता है वो देखेंगे। अभी आज के लिए फर्स्ट एंगल में हमको समझ में आया। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।